एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही के कारण अक्सर मरीजों के मौत के मामले का प्रकरण देखने को मिलता है। ऐसे ही एक मामला जनपद के रमा ट्रामा सेंटर के द्वारा लापरवाही के कारण पिता की मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने पूरे प्रकरण की जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत आजमगढ़ राजीव नगर के रहने वाले अनिल कुमार का कहना है कि अपने पिता लालचंद की तबीयत खराब होने, जिसमें अचानक से पेट में दाएं तरफ दर्द होने लगा, तब अपने पिता ने को उसी समय अपने निजी वाहन में लेकर नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। मेरे पिता को डॉक्टर पंकज शर्मा द्वारा देखा गया और बोले कि आपके पिता का एक नस ब्लॉक है, इनको हार्ट अटैक आया है, इनको तत्काल छल्ला डालना पड़ेगा और ऑपरेशन करके रिंग लगाया गया। अगले दिन 4 जून की सुबह मरीज को पीड़ित की अनुमति के ही कैथ लैब में ले गए, जहां से पीड़ित के पिता चिल्लाते हुए बाहर आए और कहा कि डॉक्टर मेरा सही से इलाज नहीं कर रहा। पीड़ित द्वारा पूछने पर डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि स्टैंड सही नहीं पड़ा है, उसको हमारे द्वारा निकाल कर दोबारा डाला गया है, लेकिन उसके बाद भी मरीज को आराम नहीं मिला। डॉक्टर पंकज शर्मा से बार बार पूछने पर बताया गया कि इनको हार्ट अटैक नहीं है, इनको गैस की समस्या है। फिर डॉक्टर के कहने पर एक्सरे हुआ, फिर उन्होंने बताया कि इनको निमोनिया है और मेरे पिता की हालत बिगड़ती गई। 6 जून को 3 बजे के आसपास डॉक्टर पंकज शर्मा के घोर लापरवाही से उनकी मृत्यु हो गई। आई देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मैं आशीष कुमार कनौजिया रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे पिताजी की तबीयत 4 जून को खराब हुई थी शाम को, तो मैं रमा हॉस्पिटल तक ले गया, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर पंकज शर्मा थे, तो उन्होंने कहा कि इनको हार्ट की दिक्कत है, जबकि पिताजी को पेट में दर्द था। उन्होंने कहा कि स्टेंट पड़ेगा इनको। कब का मामला था ये? 4 जून का। तो वो बोले कि पहले पैसा जमा करिए, फिर मैं इलाज करूँगा। मैंने उनको पैसा जमा कर दिया, तो उन्होंने इलाज किया। फिर 5 जून को पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने हम लोगों से बगैर पूछे कैश लैब में ले गए और उधर से पिताजी निकले चिल्लाते हुए। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि पिताजी चिल्ला क्यों रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, इनको पेट की दिक्कत है। तो हमने कहा कि फिर आपने ऑपरेशन क्यों किया हार्ट का? वो कह रहा है कि गलती हो गई है। तो फिर वो उनसे बोले कि सोनोग्राफी करा दीजिए उनका, पेट में क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं कि सोनोग्राफी नहीं हो सकती, तो हम कहें एक्सरे करा दीजिए। एक्सरे करा तो फिर कह रहे हैं कि उनको निमोनिया हुआ है और फिर 45,000 के इंजेक्शन लिखे हार्ट के लिए, उसको भी वापस करवा दूँगा। बोले कि इनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, ये हमारी समस्या है। हम ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच किया जाए कि क्या उनकी गलती है। तो पूरे मामले में हुआ क्या? और 6 जून के पिताजी एक्सपायर हो गए जी। तो आप लोग डॉक्टर की लापरवाही हुई है, डॉक्टर की लापरवाही से हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। रमा हॉस्पिटल क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और जो चीज़ हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर। और एक आइडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है उनका, डॉक्टर से मेरे एक डॉक्टर थे, उनसे मैं बात करवाया था उनकी। तो रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ बोले हैं कि उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको कड़ी का दर्द नहीं है, उनको एब्डोमेन पेन है, पेट दर्द है। क्या वो आपकी बात नहीं मान लेते? नहीं। सामने देखो देखा राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।